स्केल्स को अक्सर हम याद करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए शायद उसे एक दो दिन में भूल जाते हैं। लेकिन अगर स्केल्स को याद करने की वजह समझ ले कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रॉपर फॉर्मूला दूंगा आपको, जिसकी मदद से स्केल्स आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुडावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो अब सीधा हम स्केल्स के लिए डाइव इन करते हैं। स्केल्स क्या होते हैं और उसका क्या काम आता है, वो आज के वीडियो में नहीं देखेंगे। वो अगर आप चाहते हो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगी या फिर एक ही कमेंट पे ज्यादा लाइक होगी, तो हम उसके ऊपर टॉपिक जरूर कवर करेंगे। राइट, तो आज हम डायरेक्टली स्केल्स का फॉर्मूला देखेंगे। तो स्केल्स का फॉर्मूला जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो कि सीखने बहुत ही जरूरी है। राइट, एंड दैट इज होल स्टेप एंड हाफ स्टेप। राइट, ये शायद आपने आके बहुत जगह पे होल स्टेप हाफ स्टेप सुना होगा, लेकिन आज उसको डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ हाफ स्टेप। हाफ स्टेप क्या होता है? हाफ स्टेप का मतलब इज व्हेन यू आर प्लेइंग एनी नोट देन जस्ट नेक्स्ट की ऑफ इट इज द हाफ स्टेप। हिंदी में बताओ, अगर कोई भी की प्ले कर रहे हैं, उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली, उसकी जस्ट बाद वाले की इज हाफ। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी प्ले कर रहा हूं, तो अब डी का नेक्स्ट की क्या है? जस्ट नेक्स्ट की, उसके तुरंत बाद वाले की कौन सी है? क्या वो ई है या डी शार्प? तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये जो पूरे कीबोर्ड के नोट्स है वो इस फॉर्मेट में होते हैं। राइट, सी और डी के बीच में भी एक नोट है, दैट इज सी शार्प। तो डी और ई के बीच में भी एक नोट है, दैट इज डी शार्प। तो डी का हाफ स्टेप हुआ डी शार्प, ठीक है। E का हाफ स्टेप हुआ F, क्योंकि इसके बीच में कोई भी की नहीं है। F का हाफ स्टेप हुआ F शार्प, इस तरीके से। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि B नोट है, इसका हाफ स्टेप क्या होगा, ठीक है? हाफ स्टेप समझ में आ गया, इसलिए हम सेमी टोन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेमी टोन, ठीक है। हाफ स्टेप मतलब आधा स्टेप और सेमी टोन मतलब आधा टोन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो सेमी टोन, ठीक है। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज होल स्टेप। होल स्टेप बहुत ही सिंपल है, दो हाफ स्टेप मतलब एक होल स्टेप, सिंपल। राइट, दो हाफ को मिला देंगे तो एक होल बन जाएगा। जैसे कि अगर डी है, तो डी का होल स्टेप फाइंड करने के लिए आई नीड टू गो नेक्स्ट टू नेक्स्ट की, ठीक है। होल स्टेप की डेफिनेशन होगी व्हेन प्लेइंग एनी की द नेक्स्ट टू नेक्स्ट की ऑफ इट इज अ होल स्टेप। राइट, तो अगर डी है तो डी का होल स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट की तो डी शार्प है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट की होगी हमारी ई, तो डी का होल स्टेप हुआ ई। क्लियर, ई है, इसका होल स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट की कौन सी है? इसकी एफ है, और नेक्स्ट ये एफ है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट की कौन सी है? एफ शार्प है, तो ई का होल स्टेप हुआ F sharp, ठीक है। So now we are clear with the two terms, which is half step and whole step, which is also known as semitone and tone, ठीक है। Whole step को हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, which is tone। तो अब आते हैं scales के formula पे। तो scales का formula है root note, tone, tone, semitone, tone, 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 semitone, ठीक है। इसको आप whole step, half step के terms में भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना ज़्यादा semitone, tone easy होता है, इसलिए हमने इस format में लिखा। अब जो formula देख रहे हैं, उसमें जो dash है, that represents the root note. उसके बाद जो T लिखा हुआ, that represents tone, which is whole step, and ST जो लिखा हुआ है, that represents semitone, which is also known as half step. Right? So when we need to find any scale, कोई भी major scale, ठीक है, ये major scale का formula है. Right? तो कोई भी हमें scale find करने के लिए सबसे पहले scale पता होना चाहिए कि कौन सा scale find करना है. For example, हमें C major scale find करना है. तो C major scale का root note हमेशा C ही होगा. अगर F major scale find करना है, तो उसका root note F होगा, right? तो similarly C scale find करना है, तो C का root note होगा C. अब इसमें आगे देखो formula में next क्या है? Root note के बाद आता है tone. तो now we need to find tone of C, which is whole step. तो next to next E, हमें next note मिल गया D. अब और एक आगे tone लिखा है, root note, tone, tone. तो अब ये जो tone है, अब D का tone क्या होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट की ई। क्लियर, अब रूट नोट टोन टोन इतना हमने फाइंड कर लिया। अब आता है सेमी टोन। अब सेमी टोन मतलब हाफ स्टेप। राइट, तो ई का सेमी टोन क्या होगा बताइए मुझे? एफ होगा, बहुत आसान है। राइट, हमने आगे एग्जांपल के कर रहे थे तब भी देखा था। सो नाउ कम्स द थ्री टोन, ठीक है। तो एफ का एक टोन होगा जी, जी का टोन होगा ए का टोन होगा बी,
एंड बी का लास्ट नोट जो हमारे पास बचा है दैट इज सेमी टोन. सो बी का सेमी टोन होगा सी. ठीक है, सो ये हमने क्लियर कर लिया सी स्केल. ठीक है, अगर टोन सेमी टोन नहीं पता है तो आप ये पूरे फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर टू गेट क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोन एंड सेमी टोन विच इज ऑल्सो नोन एज होल स्टेप एंड हाफ. क्लियर, तो ये हमने देख लिया मेजर स्केल का फॉर्मूला. नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर जितने भी मेजर स्केल्स है वो सारे इसी फॉर्मूला को यूज करके बने हुए हैं, नथिंग एल्स. अगर आप इस फॉर्मूला को सारे मेजर स्केल्स के ऊपर लगा दोगे, हर एक नोट से स्टार्ट कर दोगे, हर एक नोट को अगर आप रूट नोट बना दोगे, फॉर एग्जांपल अगर ई को रूट नोट बना दोगे तो उसके बाद टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन, ये फॉर्मूला लगाते हैं हमें ई मेजर स्केल मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड द मेजर स्केल्स. राइट, इसकी पूरी पीडीएफ मेजर स्केल्स एंड माइनर स्केल्स की विथ देयर फिंगर पोजीशन दैट टू ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये सब कुछ हमने पीडीएफ फाइल में बनाया है आपके लिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. राइट, अब बात करते हैं माइनर स्केल के फॉर्मूला. माइनर स्केल का फॉर्मूला थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा. माइनर स्केल का फॉर्मूला है रूट नोट टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन टोन टोन. ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्लियर. अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला में हम अगर कोई भी नोट को रख देंगे रूट नोट पे तो हमें मिल जाएगा माइनर स्केल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए माइनर स्केल फाइंड करना है, ए माइनर स्केल का रूट नोट क्या ए माइनर होगा? देखिए, नोट में कभी भी मेजर माइनर नहीं होते, नोट का नाम अकेले ही लिया जाता है सी डी ई एफ जी ए बी. तो ए माइनर हो या ए मेजर हो उसका रूट नोट हमेशा ए ही होगा. ठीक है, सो ए माइनर स्केल का रूट नोट इज ए. इसका हमें टोन फाइंड करना है तो ए का टोन इज बी. अब हमें सेमी टोन फाइंड करना है तो बी का सेमी टोन इज सी. उसके बाद दो टोन फाइंड करना है सो सी का टोन होगा डी, बी का टोन होगा ई. देन हमें एक बार सेमी टोन फाइंड करना है विच इज एफ. उसके बाद दो बार हमें टोन फाइंड करना है तो एफ का टोन वुड बी जी एंड जी का टोन वुड बी ए. सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट ए माइनर स्केल. और इसी पे से कॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, इसी पे से हम ईयर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर स्केल्स अच्छे से प्ले कर लोगे तो कोई भी एक जो सॉन्ग होता है वो एक स्केल को यूज करके ही बना होता है. तो अगर आपको स्केल के नोट्स पता होंगे जैसे कि, तो आप इन नोट्स में से सॉन्ग्स को बहुत ही आसानी से फाइंड कर पाओगे. एंड दैट इज अ होल डिफरेंट टॉपिक कि कैसे स्केल्स को यूज करके आप सॉन्ग्स को फाइंड कर सकते हैं, अपने कॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं एंड इनफैक्ट सॉन्ग के स्केल को फाइंड कर सकते हैं. वो सब कुछ इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम कभी बाद में कवर करेंगे. ठीक है, सो नाउ वी नीड टू फोकस ऑन मेजर स्केल एंड माइनर स्केल. तो जो सम ऑफ दिस वीडियो, हमें मेजर स्केल एंड माइनर स्केल सीखने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने बहुत जरूरी है, दैट इज हाफ स्टेप एंड होल स्टेप, जिसको हम कहते हैं सेमी टोन एंड टोन. ठीक है, उन ये दो टर्म्स को अच्छे से जानने के बाद हमें दो फॉर्मूलाज को याद रखने हैं. मेजर स्केल का फॉर्मूला इज रूट नोट टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन. एंड माइनर स्केल का फॉर्मूला इज रूट नोट टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन टोन टोन. ठीक है, तो ये जब दो फॉर्मूला हम याद कर लेंगे और इसके ऊपर हम 12 के 12 नोट्स, 12 मेजर स्केल्स इन 12 माइनर स्केल के रूट नोट को लगा देंगे इस फॉर्मूला पे, एंड उसके बाद हम जब फाइंड करते जाएंगे तो हमें मेजर स्केल एंड माइनर स्केल मिल जाएंगे. ठीक है, इसकी पीडीएफ की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब बात करते हैं कि इसको आप अपने सॉन्ग्स फाइंडिंग पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. देखो, बहुत आसान है. ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस एंड स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, ईयर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने गानों को सिर्फ सुनकर निकाल पाएंगे. एंड दैट इज अ प्रैक्टिस थिंग. ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आ जाएगी. अब वो कैसे करना है, डोंट वरी, वी हैव एन अरेंजमेंट फॉर दैट टू. वी हैव क्रिएटेड प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स, जो कि सिर्फ 30 दिन के अंदर आपको ये ईयर ट्रेनिंग करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, जिसकी मदद से जब आप टेस्ट को कंप्लीट करेंगे तब आप अपने ईयर्स को मजबूत करते जाएंगे और बाय द एंड ऑफ 30th डे यू विल नो हाउ टू फाइंड योर सॉन्ग जस्ट बाय लिसनिंग टू इट. ठीक है, उसके कॉर्ड्स भी कैसे सुनकर निकालना है, उसका स्केल भी कैसे सुनकर निकालना है, सब आप 30 दिन के एंड तक सीख जाएंगे. एंड दैट इज माई गारंटी. एंड इतना गारंटी मैं कर रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू 7 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, क्योंकि इसने हजारों स्टूडेंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है. एंड यू कैन बी द नेक्स्ट वन इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस स्किल विच इज अ मैजिकल थिंग. राइट, तो इसको, इस जो कोर्स है जो कि इंडिया का नंबर वन कोर्स है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. स्क्रीन के देखो बीच में एक बटन आ रहा होगा, राइट, उस बटन
बटन पे जब आप क्लिक करोगे तब हमारे वेबसाइट पे पहुंचेंगे। पहले वीडियो चल रहा है लेकिन आप बटन को क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसे क्लिक कीजिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए और सारी डिटेल्स को पढ़िए, उसमें एनरोल कीजिए और 30 दिन के बाद आप हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।